मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के बीच एक नए रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आता है तो वीडियो के लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बनाएंगे मूंग दाल के पकौड़े। ये छिलका वाली दाल है, इसे हम 4 घंटा पहले भिनो कर रख दिए थे, तो ये अच्छे से फूल चुका है। इसमें जितना पानी था वो हम छलनी से छान लिए है, और ये दाल हमारा सूखा है। तो छिलके वाली दाल से बहुत ही टेस्टी पकौड़ा बनकर तैयार होता है। आप चाहे तो इसे मंगौड़ी भी बोल सकते हैं। तो इसे हम एक मिक्सी के जार में डालकर दरदरा सा पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बड़ा वाला मिक्सी का जार लिए हैं, इसी जार में हम दाल को रख देते हैं। तो हम आधा दाल डाल दिए हैं और 2 मुट्ठी हम दाल बचा लिए हैं। इस दाल को हम खड़ा ही यूज करेंगे बहुत। तो हम आधा से बेसी दाल डाल दिए हैं मिक्सी के जार में, और आधा कप दाल हम बचा लिए हैं, इसे हम खड़ा ही यूज करेंगे। इससे पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। और साथ ही हम 4 से 5 लहसुन का कलिया डाल दिए हैं, और 2 इंच का अदरक के हम टुकड़ा कर लिए हैं, इसे भी डाल दिए हैं। और ढक्कन लगाकर इसका हम दरदरा सा पेस्ट बना लेते हैं। हम बिना पानी डाले हुए दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लिए हैं, और इसका कलर अभी ग्रीन लग रहा है। तो इसे हम चम्मच के हेल्प से मिलाते हुए इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा, यानी सफ़ेद कलर का हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंट लेती हूँ। पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो दाल को हम अच्छे से फेंट लिए हैं। इस पर हम सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए हम दाल को इस तरह से फेंट लिए हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसमें हम जो दाल खड़ा रखे थे मूंग को, उसे भी डाल देती हूँ। पर हम दाल को डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह खड़ा दाल डालने से पकौड़ा के टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हम अच्छे से फेंट लिए हैं। तो इसमें हम धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग सा मसाला बनाएंगे जो पकौड़े में बहुत ही टेस्ट आता है। तो चलते हैं मसाला बना लेते हैं। तो मसाला भूनने के लिए यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और कढ़ाई हमारा अच्छा गर्म है। तो इसमें हम 2 चम्मच साबुत धनिया डाल देती हूँ, और 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच सौंफ है, 8 से 10 काली मिर्च है। इसको हम 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। इस मसाले से पकौड़े में बहुत ही टेस्ट आता है। तो इसको हम हल्का रोस्ट कर लिए है, तो इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे, और इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। मसाला को ठंडा कर कर इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिए है, तो इसे भी डाल देती हूँ। और यहाँ पर हम 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देते हैं। आप हरी मिर्च को मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, और यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा हींग डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसके जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/2 चम्मच हम नमक डाल देते हैं, और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल को साथ। तो हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो इसमें हम सब्जियां थोड़ा देर बाद ऐड करेंगे। तब तक हम तेल गरम होने के लिए चढ़ा देते हैं। तो इधर हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और इसमें हम तेल डाल देते हैं फ्राई करने के लिए, और तेल को अच्छा गरम होने देते हैं। एक बड़ा सा आलू लिए थे, उसे हम छील कर इस तरह से कद्दूकस कर लिए हैं।
इसमें जितना भी स्टार था वह निकल गया है, तो हम पानी से निकाल लेते हैं और इस तरह से हम पानी इसमें के निचोड़ लेंगे। तो हम दाल के साथ आलू को डाल देते हैं जो हम कद्दूकस कर लिए थे, और यहाँ पर हम एक बड़ा साइज को प्याज के इस तरह से लंबे लंबे आकार में काट लिए हैं। आप चाहे तो इसे गोल गोल काट सकते हैं, तो इसे भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पालक लिए हैं, इसे धोकर हम अच्छे से काट लिए हैं। इससे पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसे डालना मत भूलिएगा। और खूब सारा धनिया की पत्तियाँ हम डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मेथी का पत्ता भी डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देती हूँ दाल के साथ। तो हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छे से सब्जियाँ मिक्स कर लिए हैं, तो इसे हम तल लेते हैं, नहीं तो इसमें से पानी छोड़ देगा। पहले से तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिए थे, तो थोड़ा सा हम कोरसन उठा लिए हैं और इस तरह से घुमाते हुए नींबू के आकार में गोल बना लेंगे। तो देखिए हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से हम बाकी पकौड़ों बनाकर डाल देते हैं, और गैस के फ्लेम पे हम बिल्कुल लो रखेंगे। ज़्यादा हाई करेंगे तो पकौड़ा हमारा ऊपर से जल जाएगा और अंदर कांचा ही रह जाएगा। तो थोड़ा देर बाद हम पकौड़ों को उलट देते हैं। तो इस तरीके से हम उलट देंगे, तो ऐसे ही सारा पकौड़ों हम उलट देंगे। और इसे दो से तीन बार उलटते पलटते इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ा बनकर तैयार होगा। तो सारा पकौड़ा हमने उलट दिया है, तो इसे हम धीमी आंच पर पका ले फ्राई कर लेंगे। तो इसे तीन से चार बार हम पलटते हुए गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिए है। देख सकते हैं कितना अच्छा पकौड़ा फ्राई हुआ है। तो इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो बाकी का पकौड़ा हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, और दूसरा हमने लगा दिया है तो इसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो हम बाकी का पकौड़ा इसी तरीके से फ्राई कर लिए। हमारा मूंग दाल के पकौड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। देख सकते हैं एक एक पकौड़ा कितना क्रिस्पी बना हुआ है। जब बारिश का मौसम आ जाए तो इस तरीके से पकौड़े बनाकर खाइएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो मूंग दाल पकौड़ा बनाने का तरीका आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर से एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।